अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? आज फ्राइडे है और मैं अपने घर की छत पे हूँ। बादल देखें, 3-4 दिन से बारिश हो रही थी और आज कुछ धूप निकली है, लेकिन अभी भी बादल हैं। ये आसमान की तरफ आप देखें, ये पीछे हमारा टाउन है और अभी मौसम बड़ा खुशगवार है। आज फ्राइडे है और आज जितने भी कज़न थे ना, हम सब का ये प्रोग्राम था कि आज जाएंगे, किधर जाएंगे, आज कलर कहार जाएंगे तो उधर एंजॉय करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, लेकिन वो एक फैमिली एमरजेंसी की वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो अभी मौसम अच्छा है, छत के ऊपर अभी इसी वक्त बारबेक्यू करेंगे। सारे कज़न लोग आ रहे हैं तो अभी आपको दिखाते हैं। फिर आजकल वैसे जो है ना, गर्मी की शिद्दत वो आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। अब धूप है, छत पे है, लेकिन मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार सा है। तो ये देखिए आप फूल, ये मैंने छोटी सी लगाई थी तो अब ये नीचे से ग्रास से होती हुई, ये देखें कितनी बड़ी हो गई। अच्छा यार, आप लोग उसने एक बात शेयर करनी है। मैंने एक फ़ैसला किया आज कि मेरा ना, चूँकि बैठने वाला काम है और बैठ बैठ के मेरा जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने सोचा वज़न कम करें और इसको एक चैलेंज की तरह कम करें। तो उसके लिए पीछे धूप है, आपको मेरा चेहरा नज़र आ रहा है? शायद नहीं आ रहा। तो उसके लिए एक डाइट प्लान बनाया है, एक एक्सरसाइज प्लान बनाया है, तो इंशाल्लाह उस पर सुबह से उस पर अमल शुरू कर देंगे और 90 दिन बाद उसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि क्या है, और फिर मैं आपसे भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। घूम रहे हो हैं, छत पे क्या कर रहे थे? ये देखें, ये मेरा शहज़ादा और इसकी हालत देखें, ये गर्मी में ना इसने तबाह किया हुआ खुद को। छत पे आ जाता है और सारा दिन इधर ही धूप में घूमता रहता है। क्या कर रहे थे पापा? जी क्या ये येलो? ये है जी आकिब और ये सेटिंग बना रहा है बारबेक्यू करने के लिए। एक बात आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं गया था मियाँ वाली, तो मैंने उधर से ना पानी पिया था एक जगह रुक के। तो पानी हमेशा साफ पिए या अपने घर से अपना पानी साथ लेकर चलें, क्योंकि उस पानी से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इतनी वॉमिटिंग और इतना, बस कुछ ना पूछे, पूरा हफ्ता जो था वो मैं हॉस्पिटल में रहा। तो अब तबीयत ठीक है, इसलिए पानी मैं पी रहा था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि पानी हमेशा साफ पिए, उबाल कर पिए। कोयले कोई नहीं है? उस्मान अब्दुल्ला को भेजो, जा कोयले ले आए। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें इनका स्टैंड, ये देखें इनका स्टैंड, ये आकिब है और उस्मान है। ये नीचे इन्होंने स्टैंड बनाया है, ऊपर ये सारा सेटअप कर रहे हैं। इन दोनों को बड़ा शौक होता है। आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? ये जी आसमान में बादल है,
क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। ये जी आग जलाई जा रही है जी। कोयलों को आग लगा दी गई है। इस शख्सियत को आप जानते हैं? ये है जी उस्मान साबरी, मिर्ज़ा उस्मान। ये उस्मान साहब है जी। ये ले जी सामान सारा आ चुका है, तमाम तैयारी हो चुकी है और कोयले भी अब गर्म हो रहे हैं। इसमें और कोयले ऐड करने लगे हैं। आकब इसमें और कोयले रखो। हाँ जी असद, असद मेहनत कर रहा है, अली भी मेहनत कर रहे हैं। ये जी शुरू हो गया है। हाँ जी अब्दुल्ला सामने आओ ना। ये आप देख रहे हैं बारबेक्यू कर रहे हैं हम लोग घर पे, और माशाल्लाह से बहुत मजे का बना है, मैंने खुद बनाया। दो तीन गोंदियां नहीं होनी चाहिए अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो आपने लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आपने तिक्के खाने हैं आ सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में है, आपकी सीख एक एक सीख वहाँ पहुँचा दी जाएगी बस। ये आप देखें बड़े मज़े के बने हैं और ये आपको इसको उतारने लगे हैं। नज़दीक आप दिखाने को शर्म करो, चली जाएगी। डॉक्टर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? सिक्के बनाने के लिए सीखे बना रहे हैं। अच्छा देख सकते हैं आप ये कुछ बने पड़े हैं। क्या मजेदार खुशबू आ रही है। ये वो बंदे हैं ये दोनों जिन्होंने कोई काम नहीं किया बस खाने और ये सिर्फ ये द्वारा ये देख रहे हैं कि कब मिले और कब हम खाएं। आकब काफी मेहनती बच्चा है। सुमान क्या बात है यार, डॉक्टर साहब देखे, हमने डॉक्टर साहब को काम लगाया हुआ है, बहुत मजे के बांध रहे हैं। अली 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 ने बहुत काम किया। अब्दुल्ला की ड्यूटी आई कोयले पे, इसीलिए इसका कलर देखे ना आप जरा, इसका नाम है कोयले रात तो ब्यूटी पे लगा है ना, बैद भी आई ब्यूटी लगी हुई है यार, इससे ज्यादा क्या ब्यूटी आप लगेगी। हत्ती चले आ सिंगर तो बनाई थी आज, इससे ब्रश किया मैं, इसके दांत ज्यादा चमक रहे हैं। तू देख ये देखे यार माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त खुशबू आई है, गर्मा गर्म ये सब कुछ आ चुका है। ये रोटियां हैं, ये आवाम जनाब अब बिल्कुल रेडी बैठी है। इंतजार का वक्त खत्म हुआ। रोजेदारो रोजा खोल।
ये सारा बना के खा लिया है और अब इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगा। हाँ भी बच्चियों कैसा सी? मजा आ गया। चूड़ा आपको आवाज़ तो नहीं आ रही? अच्छा अच्छा गार्डर टी आर, गार्डर टी आर, गार्डर टी आर। ऐसे अपनी एक आंख देखो ना डरावनी, ये देखो ना अपनी आंख देखो, वो कितना खौफनाक लग रहा है। गार्डर टी आर कालिया, इधर मेरी तरफ देख, गार्डर टी आर काली थोड़ी काली थोड़ी गार्डर टी आर गाजर गाजर फिर ट्राई कर गार्डर गार्डर टी आर गार्डर टी आर गार्डर की दाल गार्डर की दाल गार्डर टी आर गार्डर बंदा पता नहीं है अपनी मर्जी का यार सारे जो जो फ्लेवर मोड़ा है जिसका जो मर्जी है खा ले। मैंगो डालना है एक पिस्ता डालो एक बारी बारी डालो ये जी मैंने तो ये लिया कुल्फा पिस्ता और मैंगो। क्या खा रहे हो? मैं आइसक्रीम खा रहा हूं पर मजे की है। आइसक्रीम पे आएंगे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत मजे का है। ये बहुत मजेदार है। इसकी एक बाइट मेरी नीचे तिलक की गिर गई है जिसका मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। हमारी खाची जी आज का व्लॉग इधर एंड करते हैं। बहुत इंजॉय किया बहुत मज़ा आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।